डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी लाइव। सो डियर स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी ओडिशा फार्मासिस्ट की तैयारी? जीडीसी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आपके लिए छोड़ने वाले हैं। सो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए लगातार जुड़े रहिए जीपैट डिस्कशन सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। डेफिनेटली आपको बहुत सारी प्रिपरेशन आपके इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। हमने स्टार्ट किया उड़ीसा फार्मासिस्ट महामैराथन सीरीज, जहां पे हमने बात कर रहे हैं 2500 एमसीक्यू का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें आज मैं आपसे बात करने वाला हूं फ्रॉम द फार्माकोलॉजी और टॉपिक होने वाला है ड्रग एक्टिंग ऑन द सीएनएस और ये पार्ट टू होगा। चलिए शुरुआत करते हैं और इस सेशन में आज देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी साइकोटिक ड्रग, इनमें से कौन सी ड्रग एंटी साइकोटिक ड्रग है? अब एंटी साइकोटिक ड्रग वो ड्रग होती है जो हमारे खासतौर पर अगर हम बात करते हैं डोपामिन के कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि साइकोसिस में डोपामिन बढ़ जाता है। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बात करेंगे, फ्लुपेंथेक्सॉल अगर बात करोगे, जी हाँ ये एंटीसाइकोटिक ड्रग है क्योंकि आपने याद किया होगा फेनो तो ठीक, व्हाट अबाउट अदर्स? रेसेजेलिन के बारे में बात करेंगे, सेलेजेलिन, रेसेजेलिन, माओबी इनहिबिटर, ये हमारा किसमें यूज होता है? पार्किंसन में। क्लोबाजाम वैसे हमारी ये आती है बेंजोडाइजेपिन क्लास की ड्रग जो साइकोसिस में नई ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। डेवलप्रेक्स के बारे में बात करते हैं, जो वल्प्रोइक एसिड डेरिवेटिव ये ब्रांड नेम दिया गया है तो ये तो हमारी एपिलेप्सी में यूज होती है। आपसे पूछा गया एंटीसाइकोटिक ड्रग, आंसर हो गया फ्लुपेंथेक्सॉल जो हमारा थायोजेंथीन डेरिवेटिव का होता है। देखो फेनोथायाजिन, ब्यूटायरोफिनोन, थायोजेंथीन डेरिवेटिव की बात करेंगे फ्लुपेंथेक्सॉल आता है। अदर्स में पिमोजिड, लॉक्सापिन, लिवोसल्फ्राइड और एटिपिकल, ये दो टाइप के होते हैं टिपिकल और एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट इज, इनमें से कौन सी हमारी ड्रग एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट है? ओके, अब डिप्रेशन की बात करते हैं तो नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन याद आता है, उनको ये इनहिबिट करते हैं। अब जरा देखिएगा एमिप्रामिन, हां जी एटिपिकल है। एमोक्सापिन, हां जी ये सॉरी ये हमारी टिपिकल है ये, क्योंकि टीसीए क्लास की ड्रग है और टीसीए क्लास की ड्रग टिपिकल है। एमोक्सापिन भी टीसीए में आएगी, ये भी टिपिकल है। बुप्रोप्रियोन की बात करेंगे, बुप्रीपियोन लिख गया, बुप्रोप्रियोन होता है, बुप्रोप्रियोन की बात करेंगे ये भी होगा। अब जरा सिटेलोप्राम की बात करेंगे, सिटेलोप्राम क्या होता है? ये सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर क्लास की ड्रग होती है। हां जी ये भी मेरी क्या होती है? टिपिकल क्लास की ड्रग है। किस क्लास की ड्रग है? टिपिकल है, क्योंकि सिटेलोप्राम, सिटेलोप्राम, पेरोक्सेटिन, सर्ट्रालिन। लेकिन बुप्रोप्रियोन की अगर आप बात कर रहे हो तो ये हमारी टिपिकल नहीं है, ये एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट क्लास की ड्रग आती है, क्योंकि एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग डायरेक्टली कभी भी नॉरएड्रेनालिन या सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनहिबिट नहीं करती है या डायरेक्टली उनके कंसंट्रेशन को नहीं बढ़ाती है, जबकि सिटेलोप्राम हां जी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, सेरोटोनिन का रीअपटेक इनहिबिट करेंगी। टीसीए क्लास की ड्रग जो होंगी वो सेरोटोनिन और नॉरएड्रेनालिन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट करती हैं, तो टिपिकल क्लास की ड्रग होगी। एटिपिकल जो इनडायरेक्टली काम करती है, टिपिकल जो डायरेक्टली करती है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द निगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, ये डायरेक्ट पॉइंट याद रखिएगा, निगेटिव सिम्टम्स ऑफ सिजोफ्रेनिया, जो साइकोसिस का निगेटिव सिम्टम्स डेवलप होता है सिजोफ्रेनिया का, उसके ट्रीटमेंट के लिए हमारी क्लोजापिन ड्रग दी जाती है। कौन सी दी जाती है? हां जी क्लोजापिन दी जाती है। और मेनली अगर पॉजिटिव सिम्टम्स की बात करें, जैसे देखो डिल्यूजन, हैलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, लेकिन निगेटिव में फ्लैटेंड इफेक्ट, रिड्यूस्ड स्पीच, लैक ऑफ इनिशिएटिव, और इन्हीं के लिए क्या यूज की जाती है? क्लोजापिन ड्रग हमारी निगेटिव सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी डिप्रेसेंट इज एसोसिएटेड विद द कार्डियोवैस्कुलर रिस्क। अब आपको सिंपल समझ में आ चुका होगा, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क की बात हो रही है तो क्यूटी इंटरवल प्रोलोंगेशन की बात हो रही होगी। अब जरा इनके बारे में अगर आप देखोगे, जरा देखिए सिटेलोप्राम जो सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक एसएसआरआई क्लास की ड्रग होती है, और इसका वैसे तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली ड्रग में से एक है क्योंकि एसएसआरआई हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग बन जाती है, लेकिन इसमें क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग करने की कैपेबिलिटी होती है और इसीलिए ये कार्डियोवैस्कुलर रिस्क के साथ एसोसिएटेड होता है। तो अगर कोई भी पेशेंट ऐसा है जिसको ऑलरेडी कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है तो वहां पे सिटेलोप्राम को हम अवॉइड करेंगे, अदरवाइज चांसेस हैं कि वहां पे और भी ज्यादा हमारे वर्स कंडीशन हो सकती है रिगार्डिंग द
कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम्स। मोक्लोबेमाइड क्या है भाई? मोक्लोबेमाइड इज द माओ ए इनहिबिटर, सेलेक्टिव है। मोक्लोबेमाइड क्लोरगाइलिन माओ इनहिबिटर, सेलेजिलिन रेसेजिलिन माओ बी इनहिबिटर, ट्रेनाइल साइप्रोमिन नॉन सेलेक्टिव माओ इनहिबिटर। अब आपको यहां पे सिंपल पूछा गया है मोक्लोबेमाइड माओ इनहिबिटर आप लगा दोगे, और माओ इनहिबिटर में भी माओ ए इनहिबिटर जरूर याद रखिएगा। अच्छा एक चीज और फनी यहां पे होता है, माओ ए एंजाइम की इनहिबिटर ड्रग यूज की जाती है डिप्रेशन में, जबकि माओ बी इनहिबिटर की ड्रग यूज की जाती है पार्किंसन में। क्यों भाई? क्योंकि माओ बी एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द डोपामिन एंड माओ ए एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द नॉरएड्रेनालिन एंड सेरोटोनिन की बात होती है। टीसीए एंड एंटीडिप्रेसेंट ड्रग क्लास एक्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब टीसीए किस में काम करता है? अभी तो हमने बात किया था किसमें, सेरोटोनिन एंड नॉरएड्रेनालिन की बात करेंगे, यानी 5-HTN नॉरएड्रेनालिन। गाबा, बेंजोडाइजेपिन, D2, बिल्कुल नहीं, 5-HTN नॉरएड्रेनालिन ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करती है। अब इसमें दो टाइप की आती हैं, प्रीडोमिनेंटली नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर और नॉरएड्रेनालिन 5-HT रिअप्टेक इनहिबिटर, दोनों क्लासेस की ड्रग आती हैं। तो जिनको हम क्या बोलते हैं, एसईआरटी आते हैं, एनईटी आते हैं, कुछ ड्रग होती है जो दोनों को इनहिबिट करती है, जैसे हम बात करते हैं अमीमी क्लिमिट क्रोमिडो, यानी हमारा इमिप्रामिन, क्लोमिप्रामिन, ट्राइमिप्रामिन, डॉक्सेपिन, ये हमारी दोनों को करती है। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं डीवीडी की बात करते हैं, तो वो केवल और केवल हमारे नॉरिपिनेफ्रिन पे काम करेंगे। आगे आओ, ड्राई माउथ ड्यूरिंग एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी इज कॉज ड्यू टू द, जितनी भी हमारी खासतौर पर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है उनका एक बहुत कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है कि वो ड्राई माउथ कॉज करती है। सर क्यों करती है? क्योंकि वो हमारे मस्कारिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, और जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का एक्शन इनहिबिट हो जाता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ देखने को मिलता है, इनहिबिशन ऑफ लैक्राइमेशन, इनहिबिशन ऑफ यूरिनेशन, इनहिबिशन ऑफ डिफिकेशन एंड ड्राइनेस ऑफ माउथ देखने को मिलता है ड्यू टू द मस्कारिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। सेरोटोनिन या डोपामिन या गाबा का कोई रोल नहीं होता है, केवल मस्कारिनिक रिसेप्टर की बात करेंगे, और इसी वजह से ड्राइनेस ऑफ माउथ, ड्राइनेस ऑफ आई, ये सारी चीजें जितने भी ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ड्रग है ना, उनका ये कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है। हाँ, एसएसआरआई में ये एडवर्स इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उनमें ये एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी अब्सेंट होती है। ड्रग इफेक्टिव इन टार्डिव डिस्काइनेशिया, पहले तो सिंपल ड्रग याद रखिएगा, यूएसएफडीए ने अप्रूव्ड किया है टार्डिव डिस्काइनेशिया, दैट इज वेलबेनाजिन यहां पे दिया गया है, दैट इज द यूएसएफडीए ड्रग। अच्छा मन में आया, सर ये टार्डिव डिस्काइनेशिया होता क्या है, ये भी तो मन में आएगा ना। देखो डिस्काइनेशिया जहां पे मूवमेंट की बात हो रही है और घट रहा है, अब देखो लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर फेशियल मूवमेंट, टार्डिव डिस्काइनेशिया क्या हो गया, जब हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जो हो रहे हैं, फेशियल मसल्स जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसमें हमारा लॉस हो जाए हमारा कंट्रोल का, वही कहलाता है टार्डिव डिस्काइनेशिया, और जिसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस हमारी दो होती है, वेलबेनाजिन एंड दूसरी आती है ड्यूटेट्राबेनाजिन, ड्यूटेट्राबेनाजिन वो हमारी आती है, ड्यूटेट्राबेनाजिन एंड वेलबेनाजिन, ये यूएसएफडीए अप्रूव्ड ड्रग है, तो इनको चाहे तो लिख सकते हो। करती क्या है, वेसिकुलर मोनोएमीन ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करती हैं, ये अलग क्लास की ड्रग है। ब्लॉक ऑफ विच टाइप ऑफ द माओ यानी मोनोअमीनो ऑक्सीडेज माइट बी मोर सिलेक्टिव फॉर द डिप्रेशन। अब देखो अभी हमने बात किया था, अगर डिप्रेशन की बात चल रही है तो ऑब्वियसली हमारा किस पे काम करेंगे, माओ ए, क्योंकि डिप्रेशन की बात करोगे तो डिप्रेशन में हमारी ड्रग आती है, सिंपली अगर मैं बात करूंगा दैट इज द नॉरएड्रेनालिन और 5-HT की बात होगी, और मैं जब पार्किंसन की बात करूंगा तो पार्किंसन में मेरी माओ बी आएंगी, करेक्ट है। तो माओ ए डिप्रेशन में है, माओ बी पार्किंसन में, अब यहां पे आप बात कर रहे हो किसके बारे में, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, डिप्रेशन में सर माओ ए, और यही जब पार्किंसन की तरफ चले जाते तब माओ बी आ जाता, सिंपल है, थोड़ा इनको जरूर याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि माओ ए प्रेफरेंशियली इनहिबिट 5-HT एंड नॉरएड्रेनालिन एंड माओ बी प्रेफरेंशियली इनहिबिट द डोपामिन। चलिए नेक्स्ट, इंडिकेट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दैट ब्लॉक रीअपटेक पंप फॉर सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन।
सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन दोनों के पंप को इनहिबिट करेगी ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ड्रग एमीट्रिप्टिलिन। कुछ नहीं कहना, क्यों सर? फ्लुऑक्सेटिन क्या है सर? ये हमारी क्या है? एसएसआरआई है। मेप्रोटिलिन की बात करेंगे, वो भी आ जाएगा। फेनाल्जिन हमारी आ जाएगी, अलग ही क्लास की ड्रग है। तो यहां पे अगर क्लासिफिकेशन पे आप चलोगे, एमीट्रिप्टिलिन जो हमारी क्या होती है, टीसीए क्लास की ड्रग होती है, और ये हमारा एनईटी और एसईआरटी दोनों को इनहिबिट करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन इंट्रैक्टेबल हिकअप्स, हिचकी आने की बात होती है, और हिचकी आने के लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग फेनोथायाजिन डेरिवेटिव क्लोरप्रोमाजिन सबसे ज्यादा यूज की जाती है। इंट्रैक्टेबल हिकअप्स की बात करेंगे, हिचकी आना, हिकअप यानी हिचकी आना, जिसको हम कहते हैं ना कोई याद कर रहा है। आप क्लोरप्रोमाजिन ले लीजिए, किसी ने याद भी किया होगा तो बंद हो जाएगी। सो यस, इंट्रैक्टेबल हिकअप्स के लिए बैक्लोफेन, क्लोरप्रोमाजिन, हैलोपेरिडॉल, लेकिन सबसे ज्यादा हमारी क्लोरप्रोमाजिन यूज की जाती है अगर हम साइकोसिस क्लास की बात करेंगे तो। इंडिकेट एन इफेक्टिव एंटी डिप्रेसेंट विथ मिनिमल ऑटोनॉमिक टॉक्सिसिटी। अभी तो हमने बात किया था, देखिए जो हमारी टिपिकल है उनमें ज्यादा ऑटोनॉमिक टॉक्सिसिटी है, और खास तौर पर टीसीए वाली। अब यहां पे देखो, एमीट्रिप्टिलिन, इमिप्रामिन, डॉक्सेपिन, ये सब टीसीए हैं, लेकिन फ्लुऑक्सेटिन के बारे में बात करेंगे तो एसएसआरआई है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इनहिबिटर है, और इसमें हमारा ऑटोनॉमिक टॉक्सिसिटी या तो लीस्ट है या मिनिमम है या अब्सेंट है, और यही सबसे बड़ा एडवांटेज है अगर आप एसएसआरआई का कंपेयर करोगे टीसीए वाली क्लास के साथ में तो। अगर आपको ये क्लासेज अच्छी लग रही है, मैराथन सीरीज अच्छी लग रही है, तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको उन टॉपिक्स को पूरा तैयार भी करना पड़ेगा जिसके लिए जीडीसी लेके आया है। वेरी अफोर्डेबल ओएसएससी ओएसएससी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वैकेंसी जो हमारी आई हुई है उसके लिए फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, ई नोट, सब कुछ एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस दिया गया है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। विद इन लिमिटेड टाइम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, ये जीडीसी का एश्योरेंस है। नेक्स्ट, पेरोक्सेटिन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ कंपाउंड? अभी तो बात किया, सर्ट्रालिन, पेरोक्सेटिन, फ्लुऑक्सेटिन, सिटैलोप्राम, एसिटैलोप्राम, ये सभी हमारी क्या है? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, एसएसआरआई क्लास की ड्रग है, यानी बी आंसर आ जाएगा। इसमें ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है, और ये हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग है खासतौर पर डिप्रेशन के लिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सीएनएस स्टिमुलेंट एक्सेप्ट, सभी सीएनएस स्टिमुलेंट है एक्सेप्ट। कौन सी ऐसी ड्रग है जो सीएनएस स्टिमुलेंट नहीं है? एम्फिटामिन, हां जी आ जाएगी आपकी अगर बात करोगे, बेंजोडायाजेपिन, कोकेन एंड मिथाइल फेनिडेट सीएनएस स्टिमुलेंट। बेंजोडायाजेपिन कभी भी सीएनएस स्टिमुलेंट नहीं करेगी, सीएनएस इनहिबिट करेगी सर। क्यों? क्योंकि बेंजोडायाजेपिन में गाबा ए रिसेप्टर पे काम करके ये हमारा गाबा फैसिलिटेटरी एक्शन प्रोड्यूस करती है, यानी इनहिबिटरी एक्शन सीएनएस पे प्रोड्यूस होगा। कन्वल्जेंट एंड ये हमारा एनालेप्टिक एंड साइको स्टिमुलेंट, ये हमारे क्या होते हैं? स्टिमुलेंट क्लास की ड्रग आती है। तो बेंजोडायाजेपिन इनहिबिटर होती है क्योंकि गाबा हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉट एन ओपियोइड एगोनिस्ट? कौन सा ओपियोइड एगोनिस्ट नहीं है? हीरोइन, कीटामिन, मिथेडोन एंड कोडीन। क्या कीटामिन आपको लग नहीं रहा है कहां से यहां आ गया? कीटामिन हमारा एनएमडीए एंटागोनिस्ट है, ये हमारा ओपियोइड एगोनिस्ट नहीं है, बिल्कुल अलग कर दीजिएगा। और ये कई बार पूछा गया है कीटामिन को डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया के नाम से या एनएमडीए एंटागोनिस्ट के नाम से, क्वेश्चन आते जरूर है, तो जरा ध्यान दे लीजिएगा। सेंट्रल मसल्स रिलैक्सेंट एक्ट बाय, जितने भी देखो लोकल जो हमारे पेरिफेरल मसल्स रिलैक्सेंट होते हैं वो तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करेंगे या मसल्स पे काम करेंगे, लेकिन सेंट्रली वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं? जो पॉलीसिनैप्टिक रिफ्लेक्स होता है स्पाइनल कॉर्ड में उसको इनहिबिट करते हैं। डिक्रीजिंग नर्व कंडक्शन ये पेरिफेरल का काम है, इनहिबिटिंग पॉलीसिनैप्टिक रिफ्लेक्स, हां जी ब्लॉक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पेरिफेरल का है। सीएनएस डिप्रेशन नहीं, बी आंसर आ जाएगा, क्योंकि अगर आप सेंट्रली और पेरिफेरली की काम करो बात करोगे, पेरिफेरली वाले न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करते हैं और सेंट्रली वाले स्पाइनल पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स जो जाता है उसको इनहिबिट करते हैं। फॉलोइंग आर साइकोमाइमेटिक ड्रग एक्सेप्ट, सभी साइकोमाइमेटिक यानी हमारे साइको
साइकोसिस को बढ़ाते हैं। देखो जरा यहाँ पे बात करेंगे, एलएसडी, कोकेन, कैनाबिस एंड फेनसाइक्लिडिन की बात करेंगे, लाइसर्जिक एसिड डेरिवेटिव, हाँ जी बिल्कुल आ जाएंगे, कैनाबिस आ जाएगा, फेनसाइक्लिडिन की बात करेंगे, कोकेन लेकिन यहीं पे थोड़ा अलग कर दीजिएगा। सर कोकेन नहीं, कोकेन हमारा साइकोमाइमेटिक प्रॉपर्टी नहीं रखता है। एलएसडी है, कैनाबिस है, फेनसाइक्लिडिन है, लेकिन कोकेन नहीं। कोकेन की जब आप बात करते हो तो इसका थोड़ा अलग प्रॉपर्टी आ जाता है। जरा देखिए हेलुसिनेशन में एलएसडी, मेस्कैलिन, फेनसाइक्लिडिन, कैनाबिनोइड्स ये सभी आएंगे, लेकिन कोकेन सीएनएस स्टिमुलेंट आता है, साइको स्टिमुलेंट नहीं है। ये बहुत काम की बात है, साइको स्टिमुलेंट और सीएनएस स्टिमुलेंट। साइको स्टिमुलेंट जो साइकोसिस पागलपन तक कॉज करा सके, सीएनएस स्टिमुलेंट हाँ सीएनएस को स्टिमुलेट करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरली अकरिंग ओपोइड, मॉर्फिन, ये सब हमारे सेमी सिंथेटिक है, लेकिन मॉर्फिन नेचुरली अकरिंग है। आपको याद है ना, मॉर्फिन, कोडीन, थेबेन, नोस्कैपिन, पेपेवेरिन, यही तो हमारे नेचुरली अकरिंग ओपोइड होते हैं। दो क्लासेस में आती हैं, फेनेंथ्रीन डेरिवेटिव, बेंजोआइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव, फार्माकोग्नोसी में भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। विच ओपोइड एनालॉग इज नॉन एनाल्जेसिक इन नेचर, नॉन एनाल्जेसिक इन नेचर, मॉर्फिन, कोडेन, फेंटेनिल, लेकिन थेबेन के बारे में बात करोगे तो नहीं, थेबेन में हमारा कोई भी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी नहीं होता है, थेबेन में मिनिमम होती है। सो अगर आप बात करोगे मॉर्फिन, कोडीन, थेबेन, पेपेवेरिन, नोस्कैपिन, ये हमारे एनाल्जेसिक नहीं होते हैं या ना के बराबर। अब जैसे आप कोडीन की बात करोगे तो कोडीन में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी आएगी क्या? नहीं आएगी सर, क्यों? क्योंकि वो एंटीटसिव है। बुप्रेनॉर्फिन इज अ, क्या है भाई बुप्रेनॉर्फिन? बुप्रेनॉर्फिन हमारा म्यू रिसेप्टर पे काम करता है एज अ पार्शियल एगोनिस्ट। तो पार्शियल म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट, हां जी बिल्कुल आंसर लगा दीजिए, कुछ मत सोचिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। वीक कापा एंटागोनिस्ट होता है और म्यू पार्शियल एगोनिस्ट होता है। सो ये रहे हमारे 20 क्वेश्चंस फ्रॉम द सीएनएस पार्ट टू, फ्रॉम द डिप्रेशन ऑनवर्ड्स अप टू द ओपोइड एनालिसिस तक। आई होप ये क्वेश्चन से आपको थोड़ा सा आपका रिविजन कंप्लीट हुआ होगा। सो यहां आज की वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।